किसानों को अग्रिम पंक्ति में रखने वाली भजनलाल सरकार 10 जुलाई को अपना पहला पूर्णकालिक बजट पेश करेगी। किसानों को उम्मीद है कि इस बार उन्हें कृषि बजट में बहुत कुछ मिलने वाला है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों, पशुपालकों, डेयरी संघों के पदाधिकारियों से चर्चा कर सुझाव भी लिए। बजट से किसानों को काफी उम्मीदें हैं, जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। भजनलाल सरकार ने लेखानुदान में कृषि को लेकर अलग से बहुत कुछ दिया था। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जाते जाते कृषि बजट पेश किया था। अब भाजपा सरकार 10 जुलाई को पूर्णकालिक बजट पेश करेगी। इसमें किसानों की उम्मीदों को पंख लग सकते हैं। किसानों के लिए ईआरसीपी के तहत 21 जिलों को पीकेसी ईआरसीपी का तोहफा मिल चुका है। धरातल पर काम चल रहा है, इसके लिए फंड की घोषणा की जा सकती है। यमुना जल का 30 साल पुराना विवाद सुलझाकर एमओयू भी किया जा चुका है, जिससे शेखावाटी के चारों जिलों को पेयजल और सिंचाई का पानी दिया जा सके। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के तहत सूखा ग्रस्त इलाकों के बांधों को लबालब करने की योजना है। इसके तहत 3 प्रोजेक्ट के लिए फंड दिया जा सकता है। किसानों के सुझावों और जरूरतों से जुड़ी बजट को लेकर प्रमुख मांगे कृषि विभाग ने राज्य सरकार को भिजवा दी है। बजट में इन कार्यों की हो सकती घोषणा। ईआरसीपी में बजट की घोषणा संभव। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के तहत 3 प्रोजेक्ट की घोषणा संभव। करीब 5,000 डिग्गी निर्माण के लिए अनुदान दिया जाना संभव। करीब 25,000 फार्म पॉन्ड बनाने के लिए अनुदान की घोषणा संभव। 8,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने के लिए दिया जा सकता अनुदान। करीब 25,000 किलोमीटर कृषि भूमि पर तार बंदी किए जाने की घोषणा संभव। करीब 1,000 नए कस्टम हायरिंग सेंटर को धरातल पर लाना संभव। करीब 15 लाख किसानों को रबी फसलों के लिए मिनी किट की घोषणा। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में ब्याज मुक्त ऋण में बढ़ोतरी किया जाना संभव। बजट से किसान को उम्मीदें। किसानों की उपज को गोदाम में रखने के लिए पंचायत स्तर पर व्यवस्था हो, कोल्ड स्टोरेज बने, उपज रखने पर किसानों को लोन देने का प्रावधान हो, ग्राम सेवा सहकारी समितियों में खरीद केंद्र बने जिससे किसान बिक्री के लिए परेशान नहीं हो, सिलाई बुनाई लोहा लकड़ी मिट्टी धातु जूट से जुड़े छोटे काम शुरू हो, गेहूं की खरीद में मध्य प्रदेश की तर्ज पर ई उपार्जन प्रणाली लागू हो सकती, बेसहारा पशुओं से होने वाले फसल नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान, खरीद करने वाली ग्राम सहकारी समितियों को गौण मंडी घोषित किया जाए, किसानों की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए, राजस्थान में बाजरा मूंग सरसों जौ के लिए MSP लागू हो, किसानों के लिए बिजली कनेक्शन की लंबित मांगों का समयबद्ध निस्तारण हो, गांवों में लघु एवं कुटीर उद्योग प्रोत्साहन के लिए नीति बनाई जाए, प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान पर सहायता राशि प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए हो। खेत को पानी, फसल को दाम। खेत को पानी के अंतर्गत जितनी भी सिंचाई परियोजना है उनको दी जाए सर्वोच्च प्राथमिकता। गांव में स्वायत्तता के लिए ग्राम उद्योगों का जाल बिछाया जाए। और तीसरा, कृषि में स्वावलंबन की दिशा में खाद बीज कीटनाशक जो भी खेती के काम आते हैं वे सब गांव में ही किसानों द्वारा ही तैयार हो। तो इस मंत्र से राजस्थान समृद्ध राजस्थान बन सकता है। भजनलाल सरकार ने लेखानुदान में जो घोषणाएं की थी उन्हें विस्तार दिया जा सकता है। पहली प्राथमिकता सिंचाई के पानी की रहेगी। बजट में यमुना जल समझौते को विस्तार देने सहित कई घोषणाएं की जा सकती हैं। देखने वाली बात है कि 10 जुलाई को किसानों के लिए खुलने वाले राहत के पिटारे में क्या कुछ निकलता है। विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।